दोस्तों आपने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि भारत की एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ने एक बार अमेरिका की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी उसकी SSN को मार गिराया था। और ये वाक्या था 2015 का, जब हुआ ये था कि एक मल्टीनेशन मालाबार एक्सरसाइज हो रही थी भारत के अंदर। अभी भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए सोवियत यूनियन द्वारा डिजाइन की गई और भारत द्वारा खरीदी गई INS सिंधुराज को इस्तेमाल किया था, यानी INS सिंधुराज जिसका नंबर था भारतीय नेवी में S-56, उसे पार्टिसिपेट किया था इस मालाबार एक्सरसाइज में। 2015 की बात थी। और जब युद्ध अभ्यास शुरू हुआ तो हमारी इसी सबमरीन ने अमेरिका की लॉस एंजलिस क्लास की एक SSN को मार गिराया था। यानी ये केवल एक सिमुलेशन बैटल था, लेकिन यही सारी परिस्थितियां रियल होती और कोई युद्ध चल रहा होता तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सबमरीन अमेरिका की SSN को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस सबमरीन को भारतीय नौसेना में कार्यरत 35 साल हो चुके हैं, 3 दशकों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि इस सबमरीन को अब रिटायर कर दिया गया है, और ये भारत के लिए एक परेशानी का सबक बन सकता है। कारण यह है कि भारत के पास पहले ही सबमरीन्स की अच्छी खासी कमी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए प्रोजेक्ट 75I की, जिसके तहत हम लोग 6 की संख्या में भारतीय नौसेना के लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने जा रहे थे, जिसमें हम लोग कोई फॉरेन पार्टनर चुनकर उसके साथ इन सबमरीन्स का निर्माण करने वाले थे, और इसके अंदर EIP सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने की बात कही गई थी, जिसमें एक एक करके सभी फॉरेन पार्टनर जो हमारे संभावित थे उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा रख रहा था और लगभग सारी टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए थे, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी चाहिए थे। इस वजह से मैक्सिमम देश तो इसमें फिट हो ही नहीं रहे थे, केवल साउथ कोरिया और जर्मनी 2 बचे थे जो कि हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे। उसमें से भी जर्मनी ने अपना नाम बाहर ले लिया था, बचा केवल साउथ कोरिया। कहने का मतलब आप केवल सिंगल बिडर वाली प्रॉब्लम हमारे पास बची थी, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। अभी वैसे उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इसे दोबारा इवेलुएट करके फिर दोबारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की जाएगी इसी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आई थी कि DRDO भी एक EIP सिस्टम तैयार कर चुका है, जिससे अब टेस्ट वगैरह किए जाने हैं किसी सबमरीन के लिए, और इसके लिए एक इंडिविजुअल सबमरीन चाहिए DRDO, ताकि सबमरीन से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज DRDO तैयार करता है उन्हें इसी सबमरीन में वो टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करें और टेस्टिंग वगैरह इनकी पूरी करें। तो ये जो सबमरीन हम लोग रिटायर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है INS सिंधुध्वज, जो कि 1 किलो क्लास की सबमरीन है, तो ये संभवतः DRDO को रिटायरमेंट के पास सौंपी जा सकती है, जिसमें DRDO अपने सारे सब सिस्टम्स टेस्ट कर पाएगा। इसके आगे बताया जा रहा है कि अब चूंकि प्रोजेक्ट 75I काफी लेट हो चुका है, इस वजह से इंडियन नेवी के लिए जो अगला प्रोजेक्ट है यानी प्रोजेक्ट 76, उसे जल्दी तैयार किया जाना है। इसमें बताया जा रहा है कि एक 300 टन से अधिक की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जानी है, जिसमें वर्टिकल लॉन्चर्स होंगे, AIP सिस्टम होगा, और ये काफी एडवांस टाइप की सबमरीन होने वाली है, जो कि भारत के पास मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है जो कि फ्रेंच सबमरीन से उन्हीं के आधार पर बनाई जाएगी। जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से इसे 2025 तक कंप्लीट किया जा सकता है, यानी 2025 तक इसके डिजाइन वगैरह पूरी तरह से तैयार किए जा सकते हैं। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 75I काफी लेट हो चुका है, उसमें जितनी भी प्रोसेस अभी तक हमने की थी उसे दोबारा करनी होगी, इसीलिए 6 महीने का एक्सटेंड भी उसे दिया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं भारत की नेवी में सबमरीन्स की बहुत ज्यादा कमी ना हो जाए, इसकी पूर्ति के लिए प्रोजेक्ट 76 को जल्द किए जाने का विचार किया जा रहा है, और इसी के तहत 2025 में हमें इसका डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा, और प्रोजेक्ट 75I को भी लगभग इसी टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में एक साथ 2-2 प्रोजेक्ट चलने वाले हैं, और लगभग एक साथ ही पैरेलली हम लोग इन दोनों ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके तहत भारतीय नौसेना की जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की कमी है उससे कहीं ना कहीं फुलफिल किया जा सके। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।